गणपति पप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फ्राइड मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो गणेश जी की बहुत ही प्रिय है। तो यदि आपको ये मोदक की रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मोदक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदा मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ था। अब इस मैदे में हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। मैदे को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मैदा और घी अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये इस तरह से हो गया है कि हम इसकी मुट्ठी बांधेंगे तो बन जाए। इतना ही घी चाहिए हमें मैदे में। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा लेंगे। आप चाहे तो मैदे में 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नमक का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो इसका डो जो है मैंने ना ज़्यादा हार्ड लगाया है और ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है, मीडियम डो लगा के इसका तैयार किया है मैंने। आप देख सकते हैं, इसी तरह का डो चाहिए हमें। तो अब हम इसे ढककर कुछ देर सेट होने देते हैं, जब तक इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस चालू करके, गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। करीब 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है इसमें। घी के गर्म होने पे मैंने यहाँ पर सूखा नारियल जो कद्दूकस करके रखा है ये डाल देते हैं इसमें। आप चाहे तो फ्रेश नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सूखा हुआ नारियल लिया है जिसे कद्दूकस किया हुआ है, जिसे खोपरा भी कहते हैं हम। तो इसे कुछ देर हम चला लेते हैं और सेक लेते हैं इसे। तो ये देखिए, इसे मैंने कुछ देर चला लिया है और थोड़ा सा सिक चुका है ये। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले लें। मैं इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी का यूज़ कर रही हूँ। चीनी को मिक्स कर देते हैं हम नारियल में। और अब मैं इसमें डालूंगी मावा। ये आधी कटोरी मावा लिया है मैंने यहाँ पर। तो हाथों से थोड़ा सा क्रम्बल करते हुए मावे को डालें और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम खोपरा, नारियल और मावा तीनों को। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं बारीक काट के। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है इसमें अच्छे से। तो कुछ देर हम इसे इसी तरह से चला लेते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी इलायची का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी इलायची ली है जिसे मैंने कूट के रखा हुआ है, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो इसकी स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की गोलियां ना बनाएं आप इसकी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी गोली बनाई है। तो सारी गोलियां मैंने बना के इसकी तैयार कर लिया है। तो अब मैदा देख लेते हैं हम। ये मैदा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे एक बार और चिकना कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब इसके भी पेड़े बना लेंगे हम। देखिए, इसके भी छोटे साइज़ के ही पेड़े बना के तैयार करूंगी मैं। तो इसी तरह से सारे पेड़े बना लेंगे हम। और अब हम इन्हें बेलेंगे। तो थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लेते हैं हम। बेलन को भी चिकना कर लेंगे और अब एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और इसे पूरी की साइज़ में हम बेल लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें आप और ना बहुत ज़्यादा मोटा। जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं बस उसी तरह से इसे बेलें।
देखिए यहाँ पर मैंने इसकी पूरी बेल की तैयार कर ली है। तो अब हम स्टफिंग की एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे और इस तरह से हम इसकी प्लेट बना लेंगे। देखिए सारी इस तरह से हम इसकी प्लेट्स बना के इसे तैयार कर लेंगे और ऊपर से हम इसे पैक कर देते हैं अच्छा सा। तो ये पोटली जैसा मोदक मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, सारे मोदक हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो एक और बना के बताती हूँ आपको। इसकी छोटी छोटी चुन्नड़ हम उठाते जाएंगे इस तरह से, इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे। देखिए ये भी पोटली का शेप बन चुका है। तो बस इसी तरह से हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे और इसे आप ऊपर से अच्छे से पैक करें, नहीं तो ये घी में जाके खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मोदक बना के तैयार कर लिए हैं। एक तरफ मैंने घी भी गर्म कर लिया है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं चाहिए, मीडियम घी को गर्म करें आप। और एक एक मोदक अब हम इस घी में डालते जाते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, एक बार में जितने आसानी से आ जाए उतने मोदक हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए सारे मोदक मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसके साइड चेंज करते जाएंगे, तो हल्के हाथों से आप इसके साइड चेंज करें। धीरे धीरे इन्हें पलटा देते हैं हम सभी तरफ से ताकि हमारे मोदक में अच्छा सा कलर आ जाए। गैस का फ्लेम आप हाई बिल्कुल ना करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे तले। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो देखिए इन सब में अच्छा सा कलर आ चुका है, देख सकते हैं आप। यदि आप थोड़ा सा डार्क कलर और पसंद करते हैं तो इसे कुछ देर और फ्राई होने दें। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।